एवरीवन, हेलो हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यस, जल्दी जल्दी से लाइव आ जाओ। वेलकम 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 एवरीवन। हाँ जी, आ जाओ लाइव। ऑलराइट, चलो जी। कल हमने क्या क्या देखा था, बस आज ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 4, इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र, आज हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो फटाफट से क्विकली रिकैप करें कि कल क्या क्या पढ़ा, या फिर एंड में पूरा चैप्टर वापस से करना है, जैसा बोलो वैसा। कैसे करना है बता दो मुझे फटाफट से। पहले अभी का पढ़ लेते हैं, देन लास्ट में पूरा रिवाइज करते हैं। ऑलराइट, चलो जी। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या क्या रिमेनिंग पार्ट रह गया था, देखो यहाँ पे टूरिज्म वाला पार्ट रिमेनिंग रह गया था। टूरिज्म इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट, ठीक है। कोऑपरेटिव मूवमेंट, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऑल्सो, एज वेल एज कोऑपरेटिव मूवमेंट इन महाराष्ट्र, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। चलो, पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, सर्विस सेक्टर्स, ठीक है, सर्विस सेक्टर्स पढ़ रहे हैं, हाँ भूलना मत। चलो आ जाओ इधर, फटाफट से देख लो इधर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने ये एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन देखा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद में आपने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मेजर्स देखे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं इसके डेवलपमेंट में। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं यहाँ पे, अगेन एजुकेशन सेक्टर में अलग, हेल्थ सेक्टर में अलग, ठीक है। यस, हेल्थ सेक्टर में अलग, उसके अंदर टूरिज्म में अलग। तो आज यहाँ पे हम लोग टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, देन योर एंटरटेनमेंट, एंड देन लास्ट में हम लोग कोऑपरेटिव मूवमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो जी स्टार्ट करें। यस, वेलकम वेलकम एवरीवन। टूरिज्म इंडस्ट्री, अब टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में अगेन एक आपको शॉर्ट नोट्स वगैरह लिखने के लिए आता है एग्जाम में प्रोबेबली, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी अगेन ये शॉर्ट नोट्स में कवर होता है, एंटरटेनमेंट एंड ये भी, बट हाँ इसका एक क्वेश्चन आता है आंसर इन ब्रीफ में कि कोऑपरेटिव मूवमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करो और उनके रोल्स एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो चलो बस एकदम शॉर्ट शॉर्ट में ही दिया, मैंने बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं लिया है। यस, टूरिज्म इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ने क्या किया था अभी। महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे टूरिस्ट को वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है, ये तो हमें पता ही है। यहाँ पे बहुत सारी घूमने फिरने की जगह है, तो महाराष्ट्र अट्रैक्ट मेनी टूरिस्ट कहाँ से, सिर्फ यहाँ से क्या, सिर्फ महाराष्ट्र से, डिफरेंट स्टेट्स एज वेल एज फ्रॉम अब्रॉड, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से और एज वेल एज अब्रॉड से भी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ, अब जैसे ही जो गवर्नमेंट है उनको ये ध्यान में आया कि भाई ये एक बून है, ठीक है, इट्स अ बून फॉर महाराष्ट्र, तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने तुरंत ही एक महाराष्ट्र टूरिज्म पॉलिसी डेवलप कर दी 2016 में, ठीक है। उन्होंने एक फॉर्म, एक पॉलिसी डेवलप कर दी कि महाराष्ट्र टूरिज्म पॉलिसी 2016 या विथ अ व्यू, इसका व्यू क्या था, टू प्रमोट द स्टेट एज अ लीडिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन, कि मतलब अब यहाँ पे जो महाराष्ट्र स्टेट रहेगा इट वुड बी अ लीडिंग टूरिस्ट, मतलब यहाँ पे टूरिज्म बहुत ज्यादा हम लोग यहाँ पे अट्रैक्ट करने की इस पॉलिसी में कोशिश की है। और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है इस पॉलिसी के, अगेन सेम चीज कि महाराष्ट्र को लीडिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है बाय 2025, 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है, एज वेल एज जॉब अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज करनी है, ठीक है। ये जॉब अपॉर्चुनिटीज तो अपने आप हो जाएगी जब टूरिस्ट आएंगे एंड उनको जो भी चीजें लगेगी, लाइक अगर होटल्स, रहने के लिए जगह, ठीक है, कुछ सैनिटाइजेशन वर्क या वट एवर, उनको जो भी सर्विसेज या एमिनिटीज चाहिए उस हिसाब से एमिनिटीज प्रोवाइडेड किया जाएगा। तो अगेन इट्स डीम कि भाई एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स वगैरह तो इंक्रीज ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू मेक महाराष्ट्र अ लीडिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय 2025, टूरिस्ट आएंगे लेकिन इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट होगा। अगर टूरिज्म ज्यादा है तो ऑब्वियसली लोग महाराष्ट्र स्टेट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। कितने का इन्वेस्टमेंट हम लोग मिनिमम अट्रैक्ट करने का सोच रहे हैं, 30,000 करोड़ का, और 1 मिलियन एडिशनल जॉब्स इंडस्ट्री में क्रिएट करने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, अब ये जो महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, MTDC, इट्स द नोडल एजेंसी, ये एक नोडल एजेंसी है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र टूरिज्म पॉलिसी 2016। मतलब इसका मतलब
महाराष्ट्र टूरिज्म पॉलिसी 2016 बराबर से इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, ये कौन चेक कर रहा है? एमटीडीसी चेक कर रही है। एमटीडीसी का फुल फॉर्म क्या है? महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, क्या चेक कर रही है? कि जो हमारी पॉलिसी है टूरिज्म पॉलिसी 2016 की, वो अच्छी तरह से इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, अब क्या एक्टिविटीज है एमटीडीसी के, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्टिविटीज बताओ। अब आप खुद सोचो कि एमटीडीसी के क्या क्या एक्टिविटीज होंगे। वो डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है, एलोरा फेस्टिवल, एलिफेंटा फेस्टिवल वगैरह। महाभ्रमण का उन्होंने स्कीम लगाया था, ठीक है, महाभ्रमण स्कीम लेकर आए थे, जहां पे वो लोग डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स वगैरह ट्राई करते हैं, जैसे कि अंडर वन रूफ एक ही टाइम पे वो लोग एग्रो टूरिज्म, विलेज टूरिज्म, मतलब पूरा खेती वगैरह, पूरा एग्रीकल्चर बता देना का उनको, विलेज की सैर करवाना वहाँ जो टूरिस्ट है, फूड टूरिज्म लाइक वेरियस वेरियस फूड्स का, सफारीज, ठीक है, ये आपको पता है जंगल सफारीज वगैरह, ट्राइबल लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें अंडर वन रूफ दिखाना जो टूरिस्ट है। ठीक है, तो एमटीडीसी ने क्या लॉन्च किया था? महाभ्रमण स्कीम लॉन्च की थी, लॉन्च महा स्कीम ऑफ महाभ्रमण, या आप ऐसा बोलो कि महाभ्रमण स्कीम लॉन्च किया था, जहां पे उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स किए थे, जैसे कि एग्रो टूरिज्म, विलेज टूरिज्म, ट्राइबल लाइफस्टाइल, फूड टूरिज्म, सफारी, ये सारी चीजें उन्होंने एक ही रूप में दिया था टूरिस्ट को। ठीक है, बस इतना ही है, दो ही तो है, ज्यादा है ही नहीं। एक इनका ऑब्जेक्टिव है, दूसरा इनका एक्टिविटीज है। ठीक है, यस, चले बड़े हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की तरफ। यस, हेलो, वेलकम एवरीवन। चलो, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में क्या रहेगा? अभी हॉस्पिटैलिटी क्या होती है बोलो? जब आप सामने वाले को ग्रीट करते हो उस तरह की, ठीक है, सर आइए बैठिए, ये वाली जो इंडस्ट्रीज होती है, मतलब जहां पे मान मनवार बहुत होता है, मतलब इट मीन्स फ्रेंडली एंड जेनरस रिसेप्शन ऑफ गेस्ट एंड विजिटर्स। अब गेस्ट एंड विजिटर्स कहाँ पे होते हैं? होटल्स में, ठीक है, बड़े बड़े होटल्स में, होटल इंडस्ट्री आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है मैम, सिर्फ होटल्स ही आएंगे क्या? क्यों, एयरलाइंस में नहीं होता क्या? एयरलाइंस में भी तो होता है ग्रीटिंग्स एंड ऑल, तो एयरलाइंस वगैरह भी आ जाएगा। ऐसे जब बोल दो ना, ट्रांसपोर्टेशन, पूरा ट्रांसपोर्टेशन ले लो। ठीक है, यस, चलो जी आओ इधर। देखो, हॉस्पिटैलिटी मतलब क्या होता है? इट मींस फ्रेंडली एंड जेनरस रिसेप्शन ऑफ द गेस्ट एंड विजिटर्स। ठीक है, यस, उनकी अच्छी तरह से अवभगत करना। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी मच ब्रॉडर इंडस्ट्री है, बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है ये एज कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज। इट हैज ग्रोन मेनी फोल्ड ड्यू टू फ्लरिशिंग टूरिज्म। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स ये इंक्रीज हो गई है, क्यों? क्योंकि टूरिज्म बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली टूरिस्ट को क्या चाहिए, वो चीज यहाँ पर मिलती है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग एस्पेक्ट इज दैट इट फोकसेस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इनका मोस्ट डिफाइनिंग, इनका मेन एस्पेक्ट क्या है कि ये कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, यस, उसके बाद में होटल इंडस्ट्री, ये देखो, होटल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द सेक्टर्स ऑफ द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, हमने पहले ही देखा। अब क्या सिर्फ देखो होटल्स में ही होता है क्या, बाकी जगह नहीं होता ग्रीटिंग तो ना? ग्रीट्स नहीं करते आप अपने क्लाइंट्स को? तो मेनी फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट कैटर टूरिस्ट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जैसे कि एयरलाइंस, मुंबई गोवा क्रूज शिप, फैंसियर ट्रेन सच एज डेक्कन ओडिसी। अब ये क्या है, आपको पता है क्या? महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है, उन्होंने टाई अप किया था, उन्होंने इस तरह की ट्रेन बनाई है। अब वहां इस ट्रेन में क्या होता है, ये एक लग्जूरियस ट्रेन है, ठीक है, दीज आर द लग्जूरियस ट्रेन, और यहाँ पे बहुत सारा, मतलब जो रिच हेरिटेज कल्चर है इंडिया का, बहुत सारे यहाँ पे जो स्पॉट्स वगैरह डेस्टिनेशंस इस तरह से लिए जाते हैं कि भाई राजस्थान की सैर करवाना, देन गुजरात, देन अहमदाबाद, देन कोलकाता, केरला, इस तरह से। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें, मतलब वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, यस, उसके बाद में रेस्टोरेंट्स भी आ गए यहाँ पे, जनरल टूरिज्म, हमने होटल्स की बात की, हमने रेस्टोरेंट्स, ठीक है, होटल इंडस्ट्री लिया पूरा, रेस्टोरेंट, जनरल टूरिज्म, इवेंट मैनेजमेंट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। और कौन कौन से पार्ट है, और क्या क्या पार्ट है, देखो, एक है होटल इंडस्ट्री, दूसरा है यहाँ पे आपका एयरलाइंस, मुंबई गोवा क्रूज शिप, फैंसियर ट्रेन, रेस्टोरेंट, जनरल टूरिज्म, इवेंट मैनेजमेंट भी यहीं पर आ गए। ठीक है, यस, चलो जी,
नाउ नेक्स्ट इज योर पॉइंट नंबर 5 इज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र. अभी इसमें क्या होता है फटाफट कर, एक तो हम लोग देखो क्विकली रिवाइज कर रहे थे, हाफ एन आवर में इतना पूरा चीज करवाना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो थोड़ा सा लेक्चर फास्ट होगा, देन प्लीज कोऑपरेट. ठीक है, यस. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र. अब भाई महाराष्ट्र में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इंडिया प्रोड्यूसर्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फिल्म इन द वर्ल्ड. इंडिया में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फिल्म इंडिया में प्रोड्यूस होती है. महाराष्ट्र प्लेड अ रिमार्केबल रोल इन द ग्रोथ ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. और महाराष्ट्र का उसमें एक अपना ही रोल है, एक रिमार्केबल रोल है. ठीक है, द फॉलोइंग पॉइंट्स इलैबोरेट ऑन दिस इंडस्ट्री. अभी फॉलोइंग पॉइंट्स क्या है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है तो नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है. यस, इट ऑब्वियसली दिस सेक्टर प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू मेनी पीपल. टूरिज्म में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ऑब्वियसली यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. कोल्हापुर हैज बीन वर्थ मेंशनिंग सिटी फॉर द रीजनल फिल्म्स. ठीक है, मुंबई पॉपुलरली नोन एज बॉलीवुड हैज एन ग्रेट इंपैक्ट ऑन द ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री. ठीक है, अब यहाँ पे तो कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है कि भाई सबसे पहली चीज तो यहाँ पे क्या बोला है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, कोल्हापुर वर्थ मेंशनिंग सिटी रीजनल फिल्म के लिए, और मुंबई को तो बॉलीवुड ही बोला जाता है बिकॉज इट इज नोन एज बॉलीवुड एंड इट हैज एन ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री. पूरे ग्लोब के फिल्म इंडस्ट्री में इसका एक मेजर इम्पैक्ट है. ठीक है, एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द डे इज कोऑपरेटिव मूवमेंट इन महाराष्ट्र. कोऑपरेटिव मूवमेंट, अब कोऑपरेटिव क्या होता है, आपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह का नाम सुना है, नाम सुना आपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज का? यस यस, वेलकम वेलकम एवरीवन. कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम सुना है क्या? क्या होती है ये सोसाइटी? ये एक वॉलेंटरी एसोसिएशन है. मतलब हम 8-10 लोगों ने मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है, और इसका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है. इसका मेन पर्पस है कि भाई अगर हम लोगों को आपस में हेल्प लगती है, ठीक है, या कोई जरूरत होती है तो हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, पूरे टीम एज एन टीम ग्रो करेंगे. ठीक है, तो इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स फॉर्म टू अचीव सर्टेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. कुछ इनके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो अचीव करने के लिए बनाया है. ये एनपीओ है, एनपीओ मतलब इट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनती है ये ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बट अ सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन. प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन सर्विस ओरिएंटेड. यहाँ पे हम लोग सर्विसेज देते हैं. इसका मेन एम क्या है? टू प्रोवाइड सर्विसेज. तभी यहाँ पे बोला है कि सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन. क्यों? क्योंकि उसका मेन एम क्या है? टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स. ठीक है, एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट. प्रॉफिट अर्न करना इनका मेन एम नहीं है, बल्कि इसका मेन एम क्या है? सर्विसेज देना. समझ में आ रहा है? कोऑपरेटिव मूवमेंट इज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन बाय द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र टू द कंट्री. ठीक है, महाराष्ट्र का ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे. एंड इसके रोल क्या होते हैं? कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है, जो हमारे स्टेट में जो कोऑपरेटिव मूवमेंट, इसका मेन रोल क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मेन रोल क्या है? आप ऐसा बोलोगे तो भी चलेगा. क्या मेन रोल है भाई? एक सोसाइटी बनी है जो लोग जो आपस में एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, वो लोग प्रॉफिट नहीं कमा रहे, किसी से आपस में हेल्प कर रहे हैं, तो उससे सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा. इट इज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज एंड इम्प्रूविंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अंडर प्रिविलेज इन महाराष्ट्र. जो रूरल एरियाज है, जो अंडर प्रिविलेज एरिया है, वहां का डेवलपमेंट वगैरह होगा. ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा. इट इनकरेजेस जस्ट वैल्यूज. वो क्या इनकरेज करता है? वैल्यूज. जैसे कि वैल्यूज बोला तो एक दूसरे की हेल्प करना, फ्रीडम, इक्वालिटी, सॉलिडारिटी, यूनिटी. सॉलिडारिटी मतलब यूनिटी. ठीक है, एक होके काम करना. इट एनकरेजेस द वैल्यूज. एंड थर्ड पॉइंट इज इट इज एक्सटेंडेड टू अदर सेक्टर्स ऑल्सो. दूसरे सेक्टर्स में भी एक्सटेंडेड है. पहले ये सबसे पहले क्यों डेवलप हुआ था पता है क्या? एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए. एग्रीकल्चर करने के लिए लोगों को जब पैसों की जरूरत होती थी तब उन्होंने ये कंसेप्ट लेकर आए थे. ठीक है, कोऑपरेटिव मूवमेंट इन महाराष्ट्र वॉज मेनली कन्फाइंड टू द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, लेकिन बाद में वो बढ़ते गया. इट वॉज सब्सिक्वेंटली एक्सटेंडेड टू द अदर सेक्टर्स, जैसे कि एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो मार्केटिंग, शुगर कोऑपरेटिव, फिशरीज कोऑपरेटिव, डेयरी सोसाइटी, टेक्सटाइल, हाउसिंग सोसाइटी, कंज्यूमर स्टोर्स, हर एक जगह, हर एक फील्ड में ये एक्सटेंड हो गया. बट स्टार्ट किससे हुआ था, किसके लिए मेनली कन्फाइंड था ये? एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए.
ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी, ठीक है, बहुत ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, पैसों की कमियां होती थी, बट बाद में इसको पूरे बहुत सारे वाइड वैरायटी ऑफ सेक्टर्स में एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है, ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो गया, क्योंकि लोगों को ये मालूम पड़ा कि भाई हम इस तरह से ग्रुप फॉर्म करके हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, एक यूनिटी वाली फीलिंग आएगी। ऑलराइट, देखो तो मैं आप एग्जाम में लिख करके आना है, एग्जाम में ये वर्ड आने चाहिए कि भाई इट इज एन वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, वॉलेंटरी एसोसिएशन है ठीक है, लेकिन उनका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है। अरे पैसों से ही एग्रीकल्चर करने के टाइम पे अगर कभी पैसे की जरूरत लगी तो हम एक दूसरे से आपस से सेटल डाउन कर लेंगे, ठीक है, हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे टू अचीव सर्टेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, ये नहीं भूलना। और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, ये एक दूसरे को सर्विस, ये मेनली एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे हम एक दूसरे को सर्विसेज देते हैं, ठीक है, हम हमारे मेंबर्स को जो इस सोसाइटी बनी है, सोसाइटी में जितने मेंबर्स हैं, मान लीजिए एक सोसाइटी में 20 मेंबर्स है, तो वो हम उनको सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे उनसे। तो द मेन एम इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इट मेंबर एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट, इसका ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है, महाराष्ट्र स्टेट का एक ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, कंट्री में। और अब इसका मेन पॉइंट क्या है, रोल क्या है, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑब्वियसली वैल्यूज एनकरेज करेगा, क्यों, क्योंकि एक दूसरे को हम लोग हेल्प करेंगे, एक यूनिटी की फीलिंग, एक इक्वालिटी की फीलिंग, एक फ्रीडम वाली फीलिंग आएगी। इक्वालिटी मतलब ना तुम बड़े हो नहीं, सब इक्वल है, ठीक है, सारे रूल्स रेगुलेशन सबके लिए सेम है, यस। उसके बाद में इट इज एक्सटेंडेड टू अदर सेक्टर्स, भाई पहले सिर्फ एग्रीकल्चर क्रेडिट पे ही कन्फाइंड था, लेकिन बाद में वो एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो मैन्युफैक्चरिंग, शुगर, फिशरीज, डेयरी, टेक्सटाइल, हाउसिंग, कंज्यूमर, सब में इंक्रीज हो गया, ठीक है, समझा, यस। चलो एक बार क्विक रिविजन कर लो, यहाँ पे आपके लिए मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स लेकर आई हूँ, ठीक है, इस चैप्टर का, यस। जो चार्ट नोट्स वगैरह जो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि वो कैसी होगी, वो इसी तरह से होगी, तो पूरे इकोनॉमिक्स को मैंने आपको इस तरह से ही कवर किया, ठीक है, चलो जी, पॉइंट वाइज एकदम कवर किया, फटाफट से एक बार क्विकली रिकैप करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि महाराष्ट्र स्टेट कब आया था, 1 मई 1960, ठीक है, ये देखा। और कितने डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है, कितने डिवीजन है, 36 डिस्ट्रिक्ट, 6 डिवीजन, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या था, एमपी नाम याद आ रहा है, सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है, अरे वो तो पता है सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन उसका अमाउंट बताओ पॉपुलेशन कितनी थी, बोलो 11.24 करोड़, ठीक है। उसके बाद में थर्ड लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे ही थर्ड बोला वैसे 3.08 माइंड में क्लिक होना चाहिए, 3.08 स्क्वायर किलोमीटर्स, 3.08 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। सेक्स रेशियो कितना है, मतलब मेल फीमेल्स का रेशियो कितना है, अगर मेल 1000 है तो फीमेल कितनी है, 929 फीमेल्स है, बाकी लोगों की शादी नहीं होती है, ठीक है, यस, मेल्स अगर 1000 है तो फीमेल 929 है, इसलिए बोलते हैं ना लड़कियों की कमी है, ठीक है, ये एज पर सेंसस 2011, सारी चीज अगर आप देखोगे कि ये डेटा का सोर्स क्या है तो 2011 ही है, ठीक है। अब मोस्ट अर्बनाइज स्टेट है, ठीक है, मोस्ट अर्बनाइज है, यहाँ पे 45.20% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज में रहती है, याद आ रहा है 45.20, वो मुंबई पुणे जैसी जो सिटीज है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में यहाँ पे लोग रहते हैं। लिटरेसी रेट तो बहुत ही भारी अपने महाराष्ट्र का, 82.3% है, ठीक है, इतने लोग हमारे यहाँ के एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड है। एंड हाँ, अब ध्यान देना, GDP इंडिया लेवल पे, GSDP ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, स्टेट वर्ड आया है यहाँ पे। पर कैपिटा इनकम आपको मैंने बताया था कि ऑन एन एवरेज उस कंट्री में ऑन एन एवरेज एक पर्सन की कितनी इनकम है, बट यहाँ पे अब पूरे कंट्री का नहीं, मैं सिर्फ एक स्टेट की बात कर रही हूँ, स्टेट पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो अब ये GSDP और SPCI कितना है, 54.5 है एज कंपेयर विथ अदर स्टेट्स, ठीक है, मतलब GDP महाराष्ट्र का, ठीक है, पर कैपिटा इनकम किसका, महाराष्ट्र का 54.5% है, इकोनॉमिक सर्वे 16-17 का, ठीक है, मोस्ट फेवर्ड नेशन है भाई, यहाँ पे क्रिएटिविटी, स्किल डेवलपमेंट, टूरिज्म बहुत ही अच्छा खासा है। एंड यहाँ पे आ जाओ, ये देखो, ये आपने कल देखा था कि भाई एग्रीकल्चर, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज ये डिक्लाइन हो गया है, ठीक है। उसके बाद में आपने देखा था इंडस्ट्रियल सेक्टर में, आपने क्या देखा कि नेट शेयर जो है इंडस्ट्री का 18% है वैल्यू एडेड में, ठीक है, मतलब जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है महाराष्ट्र का विद दैट टॉप पोजीशन, और इसका जो नेट वैल्यू एडेड है ये 18% है। उसके बाद में एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट प्राइमरी एजुकेशन में कितना खर्चा करती है,
प्राइमरी में ज्यादा खर्चा कर रही है वो, ठीक है, लड़कियों को घर के बाहर निकालना और उनको बुक्स वगैरह में या स्कूल्स में डालना, उस पे ज्यादा खर्चा हो रहा है। एक बार बाहर निकल गए तो वो लड़कियां पढ़ती चल, तो इस पे ज्यादा खर्चा हो रहा है, ये ध्यान रखना। प्राइमरी एजुकेशन पे ज्यादा खर्चा हो रहा है, क्लास 1 to 8 प्राइमरी था, ठीक है, 9 से 12 तक सेकेंडरी था, सेकेंड एंड हायर सेकेंडरी, इस पे खर्चा कम हो रहा है। तो 1946, अभी मैम ये डिक्टो याद रखना है क्या? सी याद रखना है, बट आपको अगर ऑब्जेक्टिव में आता है, और अगर आपको आता है 19486, ठीक है, 20486, 15486, तो आपको ध्यान में आ जाएगा यार 19 करके कुछ पढ़ा था, तो फट से ये टिक कर सकते हो, ठीक है, यस। और सेकेंडरी का कितना है? 16089। एक बार मेरे साथ में बोल दो ना यार, अपने आप लर्न हो जाता है। 19486 क्रोध एंड 16089 क्रोध। उसके बाद में इंटरनेट सब्सक्राइबर हाईएस्ट है, आपको पता है महाराष्ट्र का 5.45 करोड़ 30 सितंबर 2017 में था, ठीक है। एडेड आश्रम स्कूल कितना पढ़ा था हमने? 556 पढ़ा। फर्स्ट स्टेट है जिसको आरयूएसए का ग्रांट मिला, कल ही पढ़ा है, कितना ग्रांट मिला है? 20 करोड़ का ग्रांट मिला। उसके बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटीज, हाँ 1.5 लाख टोटल कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, एंड उसमें 5.25 लाख मेंबर्स है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है ये आप ऊपर भी लिख कर आ सकते हो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज कितनी है टोटल, 1.95 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें 5.25 लाख मेंबर्स है। अब ये बच्चों को याद नहीं होता है, तो इसलिए मैंने एक साथ क्यूमुलेट करके अक्यूमुलेट करके एक ही जगह पे दे दिया। तो अब इसी को गो थ्रू करोगे तो आंसर आप खुद ही ब्रॉड कर सकते हो। ऑलराइट, यस बेटा, एसपी और ओसीएम के नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इट्स ऑन वर्किंग, ठीक है। जैसे ही होते हैं वो एक बार मैं आपको, एक बार फिनिश हो जाने दो, ठीक है, काम पूरा हो जाएगा तो वो आपको मिल जाएंगे नोट्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स से मैंने आपको नोट्स मैं डेली बेसिस पे देती जा रही हूँ, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 के भी आज आपको अपलोड कर दूंगी, 6 भी आज अपलोड कर देने वाली हूँ, और क्या, यस, मेरे साथ साथ पढ़ो, और कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। टिल हियर वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर नंबर 4, कल से हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। रूरल इकोनॉमी जो है अपना, फिर 6 पॉपुलेशन है, तो इस तरह से बस फिर तो फटाफट से, एक बार 6 आ गया तब तक से पोर्शन खत्म होते हुए दिखता है ना, यस जी। चलो जी, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, कल फिर मिलते हैं शाम 4 बजे, 4 to 4:30 आपके प्रीति मैम के साथ में, बने रहिए लाइव, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देखना, बहुत पाप पड़ेगा, ठीक है। चलो जी, बाय बाय। ऑब्वियसली यार मैं यहाँ पे लाइव आ रही हूँ तो आपको भी लाइव आना चाहिए ना, मैं किसके लिए मेहनत कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, यस, लाइव आओ, इट्स बेटर, साथ में पढ़ेंगे, ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन।